वो है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर में तो कितनी झीलें हैं, साफ साफ आपको यहां पे लिखा हुआ है, डवले आना बेसरम, डवले आना बेसरम। बेटा अगर मैं डव की बात करूं तो डव यहां पर हो जाएगा आपका जो साबुन होता है, डवले आना बेसरम, और कोई भी मत लेके आना, डव लेके आना और कोई भी मत लेके आना। तो यहां पर याद करेंगे आप, डव लेके आना बेसरम। तो ये हो जाएगा आपका, ड से हो जाएगा डल झील, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में उपस्थित है, जम्मू कश्मीर में मौजूद है, क्योंकि बच्चा बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। ध्यान देना, एग्जाम में डल झील की काफी ज्यादा पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है डल झील कहां पर है, तो आपको ऑप्शन में लगा के आना होगा, जम्मू कश्मीर में उपस्थित है डल झील। दूसरी है आपकी वुलर झील। बच्चों आपने उलर झील को, वुलर जो झील है इसको आपने बहुत सुना होगा, जो कि हमारे भारत की एक मीठे पानी की झील है। ध्यान देना, जो आपकी वुलर झील है ये आपकी जम्मू कश्मीर में उपस्थित है, जम्मू कश्मीर में मौजूद है, और ये आपकी कहाँ पर दिखाई पड़ेगी, जम्मू कश्मीर में। और ध्यान देना, यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि मीठे पानी की झील कौन से किस राज्य में उपस्थित है, भारत की मीठे पानी की झील किस राज्य में उपस्थित है, तो वो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। और जब पूछा जाए कि कौन सी झील है, तो वो हो जाएगी आपकी वुलर झील। वुलर झील, ध्यान देना, डबले आना बेसरम, दो आप वो हो गए, क्या हो गए, डब, डब से हो गया आपका डल झील, और वो से हो गया वुलर झील। वुलर झील आपकी मीठे पानी की एक झील है, और ला हो जाएगा आपका साइलेंट, ये आपका ला हो जाएगा साइलेंट, और आ से हो जाएगा अनंत नागा। बच्चा ध्यान रखना, अनंत नागा ये आपकी कहाँ उपस्थित है, जम्मू कश्मीर में। काफ़ी झील है यहाँ पर जो कि आपको इस तरह से समझ में आएंगी, अनंत नागा, ना से हो जाएगा नागिन, क्या हो जाएगा, ना से हो जाएगा नागिन। तो ध्यान देना, अनंत नागा नागिन, और बे से हो जाएगा बेरी नाग, क्या हो जाएगा बच्चा, बेरी नाग। ये सारी झीलें आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, जम्मू कश्मीर राज्य में देखने को मिलेंगी। बे से हो जाएगा बेरी नाग, और सा से हो जाएगा शेष नाग, क्या है, बेरी नाग और शेष नाग, ध्यान रखना, बेरी नाग और शेष नाग। और माँ से हो जाएगा मानस। ये आपकी सारी झीलें कहाँ आपको देखने को मिलेंगी, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी। तो एक राज्य की हमने झील पढ़ चुका है, डब ले आना बेसरम, मतलब डा से डब साबुन लेके आना बेसरम। ध्यान देना, यहाँ पर आप अगर डब, ध्यान काफ़ी बच्चे यूज़ किए होंगे, डब बहुत मशहूर है, ठीक है, तो वही है आपका डव ले आना बेसरम। तो सारी झीलें यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आप इसको याद कर सकते हैं कि मीठे पानी की झील है आपकी वुलर झील, इसको ज़रूर ध्यान रखना, और डल झील को भी ध्यान रखना, और नागिन। बच्चे लोगों, अगर मैं एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दूँ कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आखिर और हम सर किस प्रकार से और हम इसको याद कर सकते हैं, तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर आपको हर जगह पर देखने को मिलेगा, हर जगह पे देखिए, यहाँ पे नागिन, ग ग ग ग ग, देखिए ध्यान से, नाग 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 नाग, अधिकतर यहाँ पर आपको नाग नाग देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में, अगर आप अगर इसको डल याद कर लीजिएगा, वुलर याद कर लीजिएगा, कॉमन सी बात है यार, कॉमन सी मैं बात करूँ तो किसी भी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर ये अनंत नाग और बेरी नाग और नागिन आप भूल सकते हैं, और शेष नाग अगर आपको भूलने की संभावना है कि आप भूल सकते हैं, तो इसको आप क्या करेंगे कि नाग अगर लास्ट में लगा रहेगा तो समझ जाना कि वो कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। कहां है नाग अगर लास्ट में लगा है, तो ये आप समझ जाना कि ये जम्मू कश्मीर में ये वाली झील उपस्थित है और मौजूद है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए।